हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे कई बार कहा कि मैम गमला बनाने की वीडियो भी डाली है, तो आज मैं गमला बना रही हूँ सीमेंट का। इसमें मैंने सीमेंट और बजरी को, जैसे ये कंटेनर है, ये एक भर के तो मैंने सीमेंट का लिया है और उसके बाद चार कंटेनर्स भर के मैंने बजरी के लिए हैं, तो उससे अब मैं ये बनाने जा रही हूँ दोनों मिक्स करके। इनको फ्रेंड्स पहले अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लीजिए, पानी डालने के बाद ही अच्छी तरह मिक्स नहीं होता है। अच्छी तरह इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए। मिस्त्री के काम की एक करनी होती है, वो आपके पास हो उससे भी कर सकते हैं। मैं वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ गमले, लेकिन मुझे शौक है, मैं शौकिया, मैंने 5-6 गमले बनाए हैं। अभी भी ये नीचे से सीमेंट आ रहा है। अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ, उसके लिए ऐसे बीच में बना लीजिए, उसमें ऐसे पानी डाल के और इसको धीरे धीरे इसमें अंदर डालते जाते हैं। इसमें पानी को थोड़ा सा सूखने देते हैं, अभी देखिए पानी सूखेगा अभी इसमें। देखिए इसको इस कंसिस्टेंसी का घोल लिया, इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाता है। आप गाढ़ा नहीं रखेंगे तो जब लगाएंगे साइड में तो ये गिरने का डर रहता है। अब इसको, ये मैंने इसका मोल्ड लिया है, ये मोल्ड ही आते हैं, ये देखिए छेद के लिए इसमें इतनी ऊंची जगह है, ये देखिए 1-1 इंच की, यहाँ पे अपने आप 2 होल्स बन जाएंगे और एक होल हम यहाँ सेंटर में बना देंगे इसका। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लगाया है, ये देखिए ऑयल लगाया है इसमें मैंने, कोई भी ऑयल, आपका कुकिंग ऑयल हो, मोबिल ऑयल हो, कोई भी ऑयल, इसको ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरह उसमें से। और ग्रीस करने के बाद फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं रहा मैंने फटाफट ये बना लिया। अगर सूखा सीमेंट जो होता है, इसको सूखा सीमेंट अच्छी तरह इस पर पहले स्प्रिंकल कर दीजिए, और स्प्रिंकल करने के बाद सूखे सीमेंट का थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए खाली सीमेंट का, और वो पेस्ट एक बार अगर लगाना चाहे तो इस पर लगा दीजिए। उस पेस्ट को आप इसमें थोड़ा सा उसमें डिस्टेम्पर मिला के, जो कलर हम घरों में करते हैं वो उस सीमेंट में मिला के, और उसको एक लेयर पतली पतली पेस्ट लगा दीजिए, कुछ कुछ ऐसे जैसे मैंने इसमें लगाया। मेरे पास सीमेंट कम था इसलिए लगा नहीं, ऐसा थोड़ा मोटा मोटा पेस्ट की लेयर आप चारों तरफ ऐसे खाली सीमेंट की लगा दीजिए, उससे गमले में फिनिशिंग अच्छी आती है। मुझे याद नहीं रहा मैंने फटाफट मिक्सचर बना लिया, नहीं तो मैं आपको वो पेस्ट की लेयर लगा के दिखाती। वो लेयर लगा लीजिए, उस लेयर से पहले क्या करिए कि सूखा सीमेंट छिड़क दीजिए, क्योंकि अगर सूखा सीमेंट नहीं छिड़केंगे तो तेल के ऊपर वो लेयर लगेगी नहीं। पहले सूखा सीमेंट छिड़किए, फिर ऐसी थोड़ी सी मोटी, ये तो पतली है, मेरे पास था नहीं सीमेंट, तो मोटी लेयर एक लगा लीजिए, उससे क्या है कि सीमेंट गमला जो है वो बहुत अच्छा फिनिश आएगा। अब मैं इसको देखिए, ऑयल मैंने अंदर लगा लिया, अब इसको लगाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए इसमें जो मार्क बने हुए हैं, ये देखिए ये बने हुए हैं, यहाँ पे होल आ जाएंगे, और दूसरे होल के लिए मैं देखिए इसमें निशान बने हुए हैं कि आपको नीचे का यहाँ तक भरना है।
अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये फिनिशिंग मैं इसको अंदर से ऐसी कांच की बोतल से दूंगी। इसके ऊपर भी मैंने ये तेल लगा लिया है बोतल के ऊपर, ताकि ये सीमेंट से चिपके नहीं। अब इससे देखिए आप ऐसे ऐसे इसको फिनिशिंग देंगे अंदर। ऐसे इसको हम फिनिशिंग दे देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है इनको फिनिशिंग देने का, क्योंकि ग्लास जो है वो बहुत ही प्लेन सरफेस होती है, तो ग्लास से ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये मैंने डेटॉल की बॉटल ली है। ऐसी चपटी बॉटल अगर आप लें तो वो अच्छी रहती है, क्योंकि ये होल्ड करने में आसान होती है। गोल बॉटल को आप पकड़ोगे कैसे, चपटी बॉटल को ऐसे पकड़ लेंगे और यूं लगा लेंगे हम ऐसे। मैं इसको एक बार और ऑयल में डाल लेती हूँ। ऐसे इसका लेवल भी चेक हो जाता है। ये देखिए बनके तैयार हो गया। ये थोड़ा बड़ा गमला है तो बड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये तैयार हो गया है बनके। मैंने इसमें रेशो जो लिया है वो 1:4 लिया है, मतलब 1 part सीमेंट और 4 parts बजरी। मुझे लगता है आप लोगों को जब इतना बड़ा गमला बनाए तो 50-50 भी ले सकते हैं, 2 parts सीमेंट 2 parts बजरी, मतलब 1 part सीमेंट 1 part बजरी इस हिसाब से भी ले सकते हैं, या 1 सीमेंट और 2 बजरी भी ले सकते हैं। ये मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा बन सकता है इससे भी, बाजार में तो इससे भी ज्यादा बजरी वाले आते हैं। ये भी मेरा सही रहेगा जब मैं निकालूंगी आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप 50-50 रेशो भी रख सकते हैं बजरी और सीमेंट का। तो फ्रेंड्स अगर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बनके तैयार हो गया है ज्यादा। अब मैं इसमें एक तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बने हुए निशान 2, और उसके अलावा मैं अब यहाँ पे ऐसे बीच में उंगली से बना दूंगी। ये देखिए इसमें जैसे मिट्टी रखते हैं, कुछ है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे सिंपल ऐसे बना दूंगी। अगर यहाँ थोड़ी सी लेयर आ भी जाएगी तो उसको हम बाहर से बाद में, मैंने जो ये ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।